चलिए गेट सीरीज़ का जो हम क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसमें नया क्वेश्चंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहे हैं वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए टैप, टैप है कोई, ठीक है, टंकी, टॉटी, वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए टैप, ठीक है, ये ऐसे मतलब अच्छी नहीं बनी है, पर मान लो ऐसे है कुछ, वाटर यहाँ से आ रहा है, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकल डाउनवर्ड्स एट द टैप ओपनिंग, द स्ट्रीम डायमीटर इज 20 mm, मतलब कि टैप ओपनिंग मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ फॉल हो रहा होगा कुछ, ठीक है, ये ठीक है, तो एट द टैप ओपनिंग मतलब यहाँ पर डायमीटर उसने दिया है कितना 20 mm विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर ये मान लो D1 हो गया और वेलोसिटी V1 कितनी दे रखी है 2 m/s टैप ओपनिंग पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, एज्यूमिंग स्टडी इनविशेड कॉन्स्टेंट एटमोसफियरिक प्रेशर एवरीवेयर, वो तो है ही, जब एटमोसफियरिक प्रेशर कॉन्स्टेंट एवरीवेयर है, नेगलेक्टिंग कर्वेचर एंड सरफेस टेंशन, कर्वेचर नेगलेक्ट कर दिया मतलब कोई कर्वेचर नहीं है, स्ट्रेट, जैसे यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है तो स्ट्रेट ऐसे कहीं जा रहा होगा, स्ट्रेट जा रहा होगा, ठीक है, कर्वेचर अर्वेचर नहीं है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, कोई कर्वेचर नहीं, नेगलेक्टिंग कर्वेचर और सरफेस टेंशन इफेक्ट, ठीक है, सरफेस टेंशन भी कुछ नहीं है ना, जो एटमॉस्फेयर में की वजह से सरफेस टेंशन होगा, डायमीटर इन mm ऑफ द स्ट्रीम 0.5 m बिलो द टैप, मान लो कि 0.5 m इतना हो गया बिलो द टैप, क्या पूछा है उसने, डायमीटर मतलब यहाँ का डायमीटर D2 पूछा है, मान लो 2 point डायमीटर पूछा है, यहाँ का डायमीटर दे रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है, स्टडी इनविस्टेड मतलब नॉन विस्कस फ्लो, स्टडी फ्लो, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल, कौन कौन सी, स्टडी है, इनविस्टेड है, इनकम्प्रेसिबल वाटर है, और फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, बर्नौली इक्वेशन जो कॉन्स्टेंट होती है वो फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन कॉन्स्टेंट होती है, या अगर इरोटेशनल फ्लो हो तो पूरी वेलोसिटी फील्ड में ही कॉन्स्टेंट होती है, तो मान लेते हैं कि फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन हम लगाते हैं, किसी भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, मान लो 0.1 यहाँ पर है, 0.1 ये है, 0.2 ये यहाँ पर, तो बर्नौली इक्वेशन लगाए फिर P1 वाई रो जी, अब देखो जो यहाँ प्रेशर हम लेते हैं बर्नौली इक्वेशन में, गेज प्रेशर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं गेज प्रेशर लूँगा तो एटमोसफिक प्रेशर 0 मानूँगा, एटमोसफिक प्रेशर 0 मान लिया मैंने क्योंकि गेज प्रेशर मैं ले रहा हूँ, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर लोगे तो यहाँ एटमोसफियर प्रेशर ऐड होगा, गेज प्रेशर ले रहा हूँ तो एटमोसफियर प्रेशर मैंने 0 मान लिया, तो भाई यहाँ पर तो सब जगह एटमोसफियरिक प्रेशर है चारों तरफ, 0.2 पे भी एटमोसफियर प्रेशर, 0.1 पे भी एटमोसफियर प्रेशर, तो गेज प्रेशर क्या होगा एट 0.1 और 2 0, समझ गए, गेज प्रेशर क्या होगा 0 होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में जो प्रेशर वो लेते हैं गेज प्रेशर लेते हैं, अब यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेज प्रेशर कितना होता है 0 होगा, तो 0 एट 0.1 प्लस V1² डिवाइडेड बाई 2G प्लस पोटेंशियल हेड, मान लो यहाँ से मैं मान लो Z1 0 नीचे की तरफ, ये Z2, ठीक है, यहाँ मैंने ओरिजिन ले लिया Z10 यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो Z10 हो जाएगा, तो कितना हो गया Z10 हो गया क्योंकि यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रेशर 0.2 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेज प्रेशर कितना होगा 0 होगा, प्लस V2² डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2 पोटेंशियल, यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव होगा,
तो कितना है माइनस 0.5, नेगेटिव लेंगे तो माइनस 0.5। वी वन हमको पता है कितना है, दो दूनी चार टू जी, और प्लस 0.5 इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो वी टू निकालो यहाँ से कितना आया, सॉल्व करो, 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 9.81 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2 और इनटू 9.81 अंडर रूट, तो वी टू कितना है 3.716। तो वी टू आ गया 3.716 मीटर पर सेकेंड। हमको तो डायमीटर निकालना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो A1 पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, D1 कितना है भाई 0.02 का स्क्वायर, मीटर में लिया है मैंने, और V1 हमको दे रखा है 2 और पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, और V2 कितना है 3.716। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, D2 निकालो कितना आया, कितना आया D2 आया 14.67 mm, ठीक है। डायमीटर कितना D2 14.67 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ए पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, ठीक है। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब के बारे में आपको बता दिया, स्टैटिक ट्यूब किस लिए, स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए। पिटॉट ट्यूब किस लिए, स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। उसको प्रांटल ट्यूब भी कहते हैं। और C=1 मतलब आप देखते होगे कि पिटॉट स्टेट जो पिटॉट ट्यूब है उसमें काफ़ी टाइप के, मतलब हम मान सकते हैं कि अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट, या अब आप रियल अगर रियल में बात करो, एक्चुअल में तो हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मतलब हम इमेज मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ें फ्रिक्शनल इफेक्ट और सब चीज़ें नहीं है, पर रियल में तो होता नहीं है। रियल में तो फ्रिक्शनल इफेक्ट भी होगा, हीट ट्रांसफ़र का आदान प्रदान भी होगा, रियल में कोई प्रोसेस क्या कहते हैं आइसेंट्रोपिकली हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, मतलब कि एनर्जी का कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, नो हीट गेन, नो हीट लॉस, ठीक है। फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है पाइप में ट्यूब में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। थ्योरेटिकली हो सकता है, रियल में तो नहीं हो सकता। तो रियल में ना हो तो हम तो थ्योरेटिकल निकालते हैं, तो उसको रियल कंडीशन में लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोफिशेंट देते हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी निकालते हैं ना किसी फ्लूड की पाइप के थ्रू, जब जाता है वो फ्लूड उसके वेलोसिटी निकालते हैं, तो V=√2gh करके निकालते हैं, तो हम एक कोफिशेंट लेते हैं कि हाँ ये कोफिशेंट 0.97 या 96 जितना भी होता है वो बताता है कि रियल में हम इतना ले सकते हैं वेलोसिटी। थ्योरेटिकल तो √2gh है, पर थ्योरेटिकल तो होता नहीं है। तो V=C√2g है, तो C की वैल्यू होती है कुछ 0.9, या वो डिफाइड करता है एक्सपेरिमेंटल कि कितना लॉस हो रहा है, कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर C=1 है, इसका मतलब कोई भी ना फ्रिक्शनल लॉस है, मतलब कि प्योर थ्योरेटिकल प्रोसेस, ठीक है। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब C=1 इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब भाई पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने के लिए, फ्लो रेट मेजर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ किया, यू टाइप मैनोमीटर, डिफरेंशियल टाइप का मैनोमीटर होगा, उसमें रीडिंग आई 10 mm ऑफ लिक्विड कॉलम विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 10। 10 mm ऑफ लिक्विड कॉलम, देखो मतलब जो रीडिंग आई उसकी डिफरेंशियल मैनोमीटर की 10 mm आई, और लिक्विड कॉलम विद रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कि उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है ना उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 10 है। रिलेटिव डेंसिटी आपको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव है किसके रेस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड फ्लूड किस कौन सा है, वाटर। तो जब इसकी डेंसिटी निकालेंगे जो फ्लूड है, तो उसकी फ्लूड की डेंसिटी क्या होगी, 10 × 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब 10 × 10000
केजी पर मीटर क्यूब, ये कौन सा फ्लूड है? मैनोमेट्रिक फ्लूड है, मैं इसको रो एम मान लेता हूँ, मैनोमेट्रिक फ्लूड जो मैनोमीटर में डला हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है रिलेटिव, ठीक है, समझे? तो वेलोसिटी ऑफ, अब पिटॉट स्टेडी ट्यूब है, मैंने आपको बताया था कि छोटा वाला तरीका बता दूँ मैं, ठीक है, तो वो क्या तरीका था? एच इज इक्व टू एक्स इंटू, अब देखो इस केस में जो मैनोमेट्रिक फ्लूड तो हमेशा ऊपर आता है, तो मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी ज़्यादा है किससे, जो वाटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैनोमेट्रिक तो इस साइड आएगा, समझिए, मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर कम होती तो वन माइनस करके आता, तो एक्स कितना है, देखो मैनोमीटर रीडिंग कितनी है, उसने रीडिंग दे रखी है डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग 10 mm, मतलब 10 × 10⁻³ मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ जो ये मैनोमेट्रिक फ्लूड है कितना है 10,000, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 - 1, ठीक है, तो 10 × 10⁻³, 10 में से गए 9, 90.09, तो एच की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो वी इज क्वेश्चन क्या आ गया 0.09 मीटर ऑफ वाटर, ये वाटर कॉलम की बात होगी, मीटर ऑफ वाटर कॉलम 0.,  क्योंकि एच की वैल्यू आएगी, हेड आया, एच हेड है, तो 0.09 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, इतना वाटर कॉलम 0.9, वी इज क्वेश्चन अंडर रूट 2gh, अब वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालना है, तो 2 9.81, और एच कितना आया हमारा 0.09 मीटर, तो कितना आएगा देखो 2.981 मल्टीप्लाइड बाई 0.09, 1.328, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, शॉर्टकट तरीका था, वरना वो वाला तो तरीका मैंने एक बार आपको बता दिया कि ऐसा होता है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, वैसे भी करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट तरीका वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो देख लेना आप, ठीक है, वो दूसरे वाले, इससे पहले वाले जो क्या कहते हैं वीडियो अपलोड की उसमें होंगे, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि इसके अलावा जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो कैसे आता है, कैसे करते हैं, वो है, तो इसमें केवल अल्टरनेटिव तरीका जो शॉर्टकट है जो हम यूज करते हैं जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, फटाफट बराबर, ठीक है, ये तो 1.328 मीटर पर सेकेंड वाटर की, अगर देखो सी कहाँ पर आता है, सी यहाँ पर आता है, वन दे दिया तो वन अंडर रूट 2gh हो जाएगा, अगर सी क्यों देते हैं कि वेलोसिटी जो वाटर है कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट कुछ ना कुछ, ठीक है, जो पाइप है उसमें कुछ ना कुछ का जो कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट रहते हैं, तो उसकी वजह से वेलोसिटी तो कम होगी ना, होगी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, किसी वजह से भी रियल, तो ये तो थ्योरेटिकल है, रियल में क्या होगा, क्योंकि सी की वैल्यू है वन से लेस देन होगी, अब वो कितनी लेस देन हो वो डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शनल है, कितना है, एक्सपेरिमेंट निकालने के बाद एक्सपेरिमेंटली चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गेट 2015 का है, ठीक है, गेट सीरीज कर रहे हैं हम, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, तो गेट 2015 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वाटर जिसकी डेंसिटी 1000 है, सबको पता है, फ्लोज थ्रू ए वेंटिलेटर, ठीक है, वेंटिलेटर है, फिट कर रखा है दो पाइप के थ्रू हमने, वेंटिलेटर क्यों फिट करते हैं, फ्लो रेट निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, कितनी वेलोसिटी है वाटर की या फ्लूड की, विद इनलेट डायमीटर 80 mm, ठीक है, मतलब कि ये पाइप है, ये हमने वेंटिलेटर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, वेंटिलेटर लगाया, ये तो ये पाइप, ठीक है यार, क्वेश्चन कहाँ करेंगे, इतना बड़ा तो बना दिए, चलो देख, ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आंसर कहाँ लिखूंगा है, चलो ये पाइप, ये वेंटिलेटर,
ठीक है, कह रहा है कि विद इनलेट डायमीटर, वेंचुरी का इनलेट डायमीटर ये मान लिया इनलेट पोजीशन 1 1, कितना डायमीटर है 80 mm, एंड थ्रोट डायमीटर, ये थ्रोट है, थ्रोट सेक्शन, ठीक है, थ्रोट डायमीटर कितना D2 मान लिया 40 mm, ठीक है। द इनलेट एंड थ्रोट गेज प्रेशर, अब यहाँ पर भी एक गेज प्रेशर लगाया है और यहाँ पर भी एक गेज प्रेशर लगाया है, आर मेजर टू बी इन गेज प्रेशर, गेज कितना 400 kPa, ठीक है, और थ्रोट पे कितना गेज प्रेशर 130 kPa। एज्यूमिंग द वेंचुरी मीटर इज टू बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो पोटेंशियल हेड इसमें आएगा नहीं, Z1 Z2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी नेगलेक्ट कर दिया। द इनलेट वेलोसिटी हमको बताना है, मतलब V1 हमको बताना है, इनलेट वेलोसिटी, फ्रिक्शन उसने नेगलेक्ट कर दिया, माइनर लॉसेज ड्यू टू ज्योमेट्री, जो लॉसेज होते हैं ये सब हट नेगलेक्ट हो गए, ठीक है। वाटर है, बर्नौली क्वेश्चन लगाए, बर्नौली क्वेश्चन आपको पता है 4 assumptions, स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, इन्विसिड फ्लो होना चाहिए, और बर्नौली क्वेश्चन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, तो बर्नौली क्वेश्चन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज कॉन्स्टेंट, बर्नौली क्वेश्चन में लगाते हैं, तो लगाएं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, यहाँ 1 यहाँ 2, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन लगाएं, तो P1/ρg प्लस V1² / 2g इज इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2² / 2g। Z1 और Z2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम लेवल पर हैं। अब देखो P1 और P2 तो हमको पता है भाई, पर हमको तो डायमीटर दे रखा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन, समझे, इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, A1 क्या होगा π/4 D1² D1 कितना है 0.08 का स्क्वायर V1, और π/4 D2 कितना है 0.04 का स्क्वायर V2, π/4 से π/4 कैंसिल हुआ 64 और 16, तो V2 आ गया 4V1, ठीक है। तो P1 रखें फिर, अब हमको क्या निकालना है, इनलेट वेलोसिटी निकालना है, इनलेट वेलोसिटी मतलब फ्लो का इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो V1 निकालना है, तो V1 हमको निकालना है, तो पहले मैं चलो यहाँ रख देते हैं P1 P2 की वैल्यू, तो P1 की वैल्यू कितनी 400 kPa, 400 × 10⁻³, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10⁻³, अब जी से तो कैंसिल हो गया हर जगह, प्लस V1² तो V1² हम V1 तो हमको निकालना है, तो V1² / 2, प्रेशर P2 कितना दे रखा है थ्रोट पे 130 kPa × 10⁻³, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³, प्लस V2 कितना दे रखा है 4V1 मतलब 16 V1² / 2, ठीक है, 10⁻³ से कैंसिल हुआ 400 130 इधर आ गया, कितना बचा 0 3 270 बचा, और V1 उधर गया तो 15 V1² / 2, तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कितनी आएगी V1 की वैल्यू, आएगी 6 m/s, V1 कितना आ गया, इनलेट वेलोसिटी क्या हो गई 6 m/s, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2015 का 16 क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि हम गेट के क्वेश्चंस प्रीवियस से कर रहे हैं जितने भी, ठीक है, उसमें एक ये क्वेश्चन कह रहा है कि द वाटर जेट एग्जिटिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी टैंक है, और वाटर जेट यहाँ इस टैंक से एग्जिट हो रहा है थ्रू ए सर्कुलर ओपनिंग जिसका डायमीटर 300 mm है, ठीक है, और वो जो वाटर जेट एग्जिट हो रहा है ना यहाँ से, वो उसने इम्पिंज किया इस स्टेशनरी रिजिड वॉल पे, ठीक है, ये जो स्टेशनरी रिजिड वॉल है इस पे इसने इम्पिंज किया, और इस कह रहा है कि नेगलेक्ट ऑल माइनर लॉसेज एंड अज्यूम द वाटर लेवल इन द टैंक टू रिमेन कॉन्स्टेंट,
ऑल माइनर लॉसेज में नेग्लेक्ट कर दिया इसने, कौन कौन से माइनर लॉस है भाई? माइनर लॉस ड्यू टू एग्जिट, एग्जिट लॉस जो ये वाटर जेट यहाँ से निकल रहा है ये माइनर लॉस होता है, और जो वाटर लेवल का जो लेवल है, जो टैंक का लेवल है वाटर लेवल, ये कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब ये जो हाइट 6.2 मीटर है ना वाटर लेवल की, ये 6.2 मीटर ही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। तो उसने पूछा है कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल, तो जो ये जेट यहाँ से निकला हॉरिजॉन्टली, इसने जब ये इस वॉल को इम्पिंज किया, स्ट्राइक किया, अटैक किया इस पर, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हुआ, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स निकला। अब मोमेंटम थ्योरम आपको पता ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड टू ऑन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, फाइनल कितना, इनिशियल कितना, और इक्वल्स टू फोर्स डेवलप्ड ऑन द सॉलिड वॉल, ठीक है, ऐसी होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर किस वेलोसिटी से ये एग्जिट हुआ, ठीक है, तो वो निकालनी पड़ेगी। तो वो निकालने के लिए हम क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लगेगी, किस किस पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लगेगी बताओ, बर्नौली इक्वेशन किस किस पॉइंट पे लगेगी, अगर आप यहाँ से यहाँ पर लगाओगे और यहाँ लगाओगे, मान लो अगर मैंने यहाँ और यहाँ लगाई, तो बर्नौली इक्वेशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है, क्या होता है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, इनविशिड फ्लो होना चाहिए, और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन हो गई, क्योंकि हमको तो भाई वरना इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, अगर किसी पूरे वेलोसिटी फील्ड की बात कर रहे हो तो इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, पर यहाँ पर ये स्ट्रीम लाइन हम देख रहे हैं क्योंकि फ्लो ऐसे इस डायरेक्शन जा रहा है, तो ये स्ट्रीम लाइन एक टाइप की हो गई। तो हम इस डायरेक्शन के अलॉन्ग बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, मतलब एक ये पॉइंट वन और टू, ठीक है। अब स्टडी फ्लो, मान ली स्टडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, वाटर है, इनविशिड फ्लो है, मतलब फ्रिक्शन लॉस नहीं है, ठीक है। अब बर्नौली और जो अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कॉन्स्टेंट होती है, तो अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पी वन वाई रो जी, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, पी वन वाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल्स टू पी टू वाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर वाई टू जी प्लस जेड टू, ठीक है। जेड वन और जेड टू सेम लेवल पर हैं, ये तो कैंसिल कट गए। पी वन वाई रो जी, प्रेशर एट पी वन कितना होगा निकालो, कितना होगा, और जो यहाँ पर प्रेशर पी वन लेते हैं ना, कौन सा प्रेशर लेते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन में जो प्रेशर लेते हैं वो गेज प्रेशर लेते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर लोगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस साइड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस साइड कैंसिल हो जाता है, समझे कौन। पर हम क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन में हमेशा गेज प्रेशर लेके चलते हैं। तो पी वन वाई रो जी मतलब गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या होगा, अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो प्लस नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे जीरो प्लस रो जी एच डेंसिटी ऑफ वाटर, रो डेंसिटी ऑफ वाटर, जी और एच हाइट कितनी है 6.2, और नीचे क्या आएगा, ये भी रो जी है क्योंकि वाटर ही है। अब वी वन, तो भाई वी वन पे तो वेलोसिटी जीरो होगी स्टेट पोजीशन में, तो जीरो। पी टू प्रेशर है, पी टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो गेज प्रेशर इस पी टू पर क्या होगा, जीरो, क्योंकि और अपन को क्या निकालना है, वी टू स्क्वायर वाई टू जी निकालना है। रोजी से रोजी कैंसिल हो गया, तो वी टू कितना होगा, 6.2 मल्टीप्लाई टू नाइन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से वी टू की वैल्यू आ गई
कितनी आ गई, 11.135 मीटर पर सेकेंड। V2 आ गया, वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द सर्कुलर होल इन द वाटर टैंक। V2 आ गया, तो मोमेंटम थ्योरम लगाए, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम थ्योरम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जेड जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल वेलोसिटी देखो इनिश, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, V2 है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ है, इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास फ्लो रेट V2 माइनस मास फ्लो रेट V1 इज इक्वल्स टू फोर्स F। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है कुछ नहीं है, V2 जीरो है इस डायरेक्शन में, तो ये तो जीरो हो गया। मास फ्लो रेट m.v1 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, एग्जिट जेट की वेलोसिटी क्या है, 11.135, तो ये क्या आ गया, मास फ्लो रेट। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, देखो फोर्स अप्लाइड ऑन दैट डायरेक्शन, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप इन दैट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट डायरेक्शन, तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स जो ये वाटर फ्लूड है इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहा है, पर इसके अपोजिट अप्लाइड हो रहा है, तो नेगेटिव साइन तो मतलब कि डायरेक्शन का खेल हुआ, हमको तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है कि नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल्व। तो मास फ्लो रेट क्या है, रो क्यू डेंसिटी इंटू फ्लो रेट, और फ्लो रेट क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब रो डेंसिटी ऑफ वाटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी वी वेलोसिटी ऑफ जेट इक्वल्स टू 11.135, तो यही हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ वी कितना हो गया, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि उतनी वेलोसिटी है। अब डेंसिटी हम उनको पता है 10^3 वाटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर हमको दे रखा 300 mm, पाई बाई 4d² और 11.135 का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स कितना आया, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई d² 0.3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11.135 का स्क्वायर कितना आया, 8.76 ठीक है, चेक करें क्या, 8.76 किलो न्यूटन। समझ गए, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल इज 8.76 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यार आप कह रहे हो कि यार ठीक है,